सुनो, रैंक डाल दो, रैंक नलिटी थ्योरम, एक ऐसी थ्योरम जो अपने अंदर में शामिल करती है रैंक को और किसको, नलिटी, रैंक नलिटी थ्योरम। हेडिंग डाल दो, रैंक नलिटी थ्योरम फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रैंक नलिटी थ्योरम। और इसके बाद स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट किस्मत जिस दिन बहुत खराब होगी, बहुत खराब मतलब एकदम दंधौली वाली किस्मत ना, जो चार पोस्ट दूर से बदबू मारती है वो वाली किस्मत होगी जिस दिन ना, उसी दिन रैंक नलिटी थ्योरम नहीं मिलेगी। अदरवाइज ना मान करके चलो 99.99% रैंक नलिटी थ्योरम टकराएगी, ये मान करके चलो। रीजन है कोरोना टाइम में एग्जाम हुआ नहीं था सेकेंड ईयर का, तो रैंक नलिटी थ्योरम ना खुदबुदाई बैठी हुई है कि हमको तो एक पेपर में जाना जाना है, तो ये आएगी आएगी, इसीलिए सबको बता रहे हैं ना, सभी बौद्धिक प्रचार रखने वाले लोग, बौद्धिक जन लोग इस पर बहुत ध्यान देंगे। और ये थ्योरम बहुत आसान है, टफ बिल्कुल नहीं है, एक्सटेंशन वगैरह जानते हो ना, बस उसी के आधार पर मध्यम मध्यम पक जाएगी, जैसे हल्की आंच पे चावल पकाते हैं ना, बस वैसे इसको पकाते हैं। पाक शास्त्र क्या है तेरा बात, स्टेटमेंट लिखना, यदि U over F is finite dimensional, is finite dimensional vector space, is finite dimensional vector space, and capital T be the transformation from U over F to V over F is a linear transformation, is a linear transformation is a linear transformation, then rank of transformation capital T plus nullity of transformation capital T plus nullity of transformation capital T is equal to dimension of our domain U, yani that is, अर्थात इसी को कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, rho of T पढ़ा जाएगा rank of transformation T plus nu of T, यानी nullity of transformation T is equal to dimension of vector space U। बहुत सीधा सपाट स्टेटमेंट है कि अगर आपका जो डोमेन है, डोमेन से कोडोमेन के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड होता है, डोमेन आपका फाइनाइट डायमेंशन का है, तो ऐसी तारीख में, ऐसी सिचुएशन में जो डोमेन की डायमेंशन होगी वो रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी और नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी के जोड़ के बराबर होगी। यानी अगर किसी ने कहा कि एक दिए गए किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रैंक चार, रैंक की डायमेंशन कितनी, सॉरी रैंक चार आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन की और नलिटी पांच आ रही है, तो डोमेन कितने डायमेंशन का हुआ होगा, नौ डायमेंशन का, पांच और चार ऐड कर दो, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द डोमेन यू, यही आपकी थ्योरम है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। नोट कर लो तो प्रूफ कराते हैं। हो जाएगा तो बताना, सब लिख चुके ध्यान देना। अगर तुम इस पूरे पर गौर करो ना, तो दो टाइप की चीजें लिखी गई हैं, दो टाइप, एक तो आपका डोमेन है, दूसरा आपका नलिटी है, नल स्पेस के आता है, और तीसरा आपका कौन है, रैंक। हम दो टाइप इसलिए बोले क्योंकि ये दोनों एक ही जगह से आते हैं। जो आपका नल स्पेस होता है वो किसका सब स्पेस होता है, नल स्पेस किसका, डोमेन का सब स्पेस होता है, ठीक, लेकिन जो आपका रेंज रहा होगा वो किसका होता है, कोडोमेन का होता है। तो ये दो लोग एक जगह से होते हैं और ये वाला अलग जगह से, तो केवल मेरे पास कितने टाइप के लोग हैं, दो टाइप। अच्छा ये बताना डोमेन में और नल स्पेस में इन जनरल बड़ा कौन होता है, डोमेन, डोमेन, बिकॉज नल स्पेस इज द सब स्पेस ऑफ डोमेन, और मुझको पता है सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन को पार नहीं कर सकती है। हाँ या ना, सबसे पहले छोटे का बेसिस मानते हैं,
और छोटे के बेसिस को एक्सटेंशन थ्योरम लगा के बढ़ा देते हैं बड़े के बेसिस के लिए। क्लियर है? तो हम अपने मर्जी से मान लेते हैं, माना नलिटी कौन है, नलिटी इज द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, यही तो पढ़े हुए हैं, नलिटी इज द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस। मान लिया नल स्पेस की डायमेंशन कितनी है के? तो नल स्पेस इज द सब स्पेस ऑफ डोमेन, आया ना? तो इसका मतलब आपके जो कोडोमेन है आपके पास, या तो कोडोमेन की डायमेंशन के होगी और या तो के से ज्यादा होगी, आया ना? लेकिन ये के एलिमेंट का कलेक्शन आपके डोमेन यू में कैसा कलेक्शन है? एलआई कलेक्शन है। एवरी एलआई सेट आइदर इटसेल्फ अ बेसिस और कैन बी एक्सटेंडेड एज द बेसिस। तो हम लोग इसको एक्सटेंड करके बेसिस बना लेंगे, किसका? यू का बेसिस बना। पहला एजम्पशन यही होगा मेरा। फिर वापस बात समझना, हम रेंज की तरफ बिल्कुल ख्याल नहीं रखना है, क्योंकि रेंज अलग कैटेगरी से आ रहा है। रेंज कहां से आता है? कोडोमेन से। मेरा अभी उससे कोई वास्ता नहीं है। हम एक चीज जान रहे, दो लोग एक जगह से आ रहे हैं, कौन कौन? मेरा डोमेन और उसी डोमेन का सब स्पेस कौन होता है? नल स्पेस होता है। तो इसका मतलब अगर आपके पास नल स्पेस का बेसिस है, तो या तो आपका पूरा डोमेन ही नल स्पेस रहा होगा, पूरा डोमेन नल स्पेस हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो, टी इमेज ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0, तो सोचो सबको कहां भेज दिया, पूरा डोमेन की इमेज क्या बन गई? 0। इसका मतलब पूरा डोमेन क्या हो गया? नल स्पेस हो सकता है। या तो पूरा डोमेन आपका नल स्पेस रहा होगा, उस दौरान नल स्पेस एंड डोमेन आर नॉट टू डिफरेंट थिंग, बोथ आर सेम। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट की इमेज 0 जा रही है, तो नल स्पेस मस्ट बी द सब स्पेस ऑफ डोमेन, होगा होगा इसका मतलब, और वो भी प्रॉपर सब स्पेस होगा। तो इसका मतलब नल स्पेस सब स्पेस बन चुका है डोमेन का। तो किसका बेसिस बड़ा, किसका बेसिस छोटा? डायमेंशन बड़ी छोटी, सेट का बड़ा छोटा क्या कर दोगे ना? डायमेंशन नल स्पेस की छोटी पड़ेगी और आपके कोडोमेन की डायमेंशन क्या हो जाएगी? बड़ी। तो इसका मतलब आपके पास जो नल स्पेस है, अरे सॉरी, डोमेन की डायमेंशन बड़ी हो जाएगी। तो जो आपका नल स्पेस है, नल स्पेस का बेसिस आप एक मान लो, नल स्पेस का बेसिस आइदर इटसेल्फ अ बेसिस फॉर द डोमेन और कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द बेसिस एज अ डोमेन, हो सकता है। मतलब आप एक्सटेंशन थ्योरम लगा सकते हो। पहला स्टेटमेंट यही है, शुरुआत करेंगे। स्टेटमेंट हो गया हो तो मिटाया जाए इसको, स्टेटमेंट मिटा दें, प्रूफ करने के लिए जगह चाहिए इसको। और सुनो, एक एक एजम्पशन बोलते चल रहे हैं, जिसको ये लगे कि ये चीज हम बाद में भूल सकते हैं, कॉर्नर पर कहीं पर लिख लेना। पहले बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इधर 2 साल से कोरोना की वजह से कोई एग्जाम नहीं हुआ है, और मान के चलो आपकी जो एग्जाम लगेगा 20 सेकंड ईयर का, उस एग्जाम में इनके पास एक ही रास्ता है, उठा करके फेमस फेमस न्यूमेरिकल को पूछना। तो फेमस फेमस न्यूमेरिकल में उधर नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब स्पेस, इधर रैंक नलिटी थ्योरम, उधर एलआईएलडी दिखाना। ये सब बड़ी फेमस फेमस चीजें हैं, ये अपने हाथ से जाने दो ना, नंबर अपने हाथ से जाने दो। पढ़ा तो हम वैसे भी डीपली रहे, पढ़ने के लिए तो तुम्हारे पास पूरी नोट्स है, मन वो झूम करके पढ़ो, लेकिन अगर डर लग रहा है तो ऐसी चीजें जरूर पढ़ो, ये ना छोड़ो। लेट कैपिटल एन बी का नल स्पेस, पहले हम नल स्पेस ही मान ले रहे हैं, ट्रू। लेट माना कैपिटल एन बी का नल स्पेस, बी द नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी। माना कैपिटल एन नल स्पेस है किसके लिए? मेरे दिए गए ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी के लिए। तो मुझको पता है नल स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ डोमेन, लिखना इस बात को। दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एन इज अ सब स्पेस, कैपिटल एन इज अ सब स्पेस ऑफ डोमेन, और डोमेन कौन है? यू। नल स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ डोमेन यू। ये बताओ डोमेन की डायमेंशन क्या दिया है? फाइनाइट, और कुछ नहीं, फाइनाइट का है कि U is a finite dimensional vector space। अगर आपका डोमेन फाइनाइट है तो डोमेन के जितने सब स्पेस आएंगे क्या वो इनफाइनाइट डायमेंशन हो सकते हैं? वो भी कैसे होंगे? फाइनाइट डायमेंशन। इसका मतलब जो आपका नल स्पेस आया ये भी कैसा होगा? फाइनाइट डायमेंशनल होगा। लिखना अगली लाइन में, सिंस यू इज फाइनाइट डायमेंशनल, सिंस यू इज फाइनाइट डायमेंशनल, since u is finite dimensional, this implies that capital n is also
ऑफ फाइनाइट डायमेंशन, फाइनाइट डायमेंशन, चूंकि डोमेन की डायमेंशन फाइनाइट है, यानी मेन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कैसी है, फाइनाइट है, तो उसका जो सब स्पेस नल स्पेस बना हुआ है जिसको आपने कैपिटल एन माना है उसकी भी डायमेंशन कैसी होगी, फाइनाइट। और फाइनाइट होगी तो हम अपनी मर्जी से कोई डायमेंशन मान सकते हैं। चलो मान लेते हैं, इन जनरल लिखना, लेट डायमेंशन ऑफ एन, लेट डायमेंशन ऑफ कैपिटल एन इज इक्वल टू, ये बताओ डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ही तो नलिटी होती है, डायमेंशन ऑफ एन इज इक्वल टू नलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टी इज इक्वल टू, अपनी मर्जी से इसको मान लेते हैं दिस इज के, आया ना। अगर नल स्पेस की डायमेंशन आपने के मान ली तो एक बात साफ है कि जो नल स्पेस का बेसिस रहा होगा वो अपने अंदर में कुल कितने एलिमेंट कंटेन करेगा, के अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा के, क्या हम इसको नल स्पेस का बेसिस मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सारा मेंबर इन जनरल लेके चल रहे हैं, मतलब कल को कोई भी वेक्टर स्पेस होगा मेरी थ्योरम एप्लीकेबल होगी। लिखना आगे यहीं पर, एंड बी वन इज इक्वल टू, बी वन इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू अप टू सो ऑन। अच्छा तुम लोग आगे लिखना, हम नीचे लिख रहे हैं, पर मेरा इधर प्रूफ करने में गड़बड़ा जाएगा। एंड बी वन इज इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू अप टू सो ऑन अल्फा के, बी अ बेसिस, बी अ बेसिस फॉर कैपिटल एन, पूरा यहां से यहां तक पढ़ा जाएगा, लेट डायमेंशन ऑफ एन इज इक्वल टू नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू के एंड बी वन इज इक्वल टू, मतलब हम सब मान ही रहे हैं, हमने मान लिया कि माना डायमेंशन यानी कि नलिटी कितनी है, के है, और अगर नलिटी के है तो इसका मतलब नल स्पेस के बेसिस में क्या एलिमेंट आएंगे, के एलिमेंट, उन के एलिमेंट को मान लिया, वो कौन है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के, अब पूरे सेट को नाम दे दिया बी वन, इट मीन कल को हम शॉर्ट में लिखेंगे बी वन इज अ बेसिस फॉर द नल स्पेस कैपिटल एन। क्लियर है इतनी बातें सबको, कुल कितने एलिमेंट रखे हैं, के एलिमेंट। अच्छा बेसिस एक एलआई सेट होता है, हाँ या ना, मानते हो, अगर बेसिस एलआई सेट है तो मुझको पता है पूरा का पूरा नल स्पेस इज अ सबसेट ऑफ डोमेन यू, आया ना, और बेसिस बिलोंग करता है आपके वेक्टर स्पेस से, तो इसका मतलब बी वन इज द सबसेट ऑफ एन, ये भी मानते हो, बी वन इज द सबसेट ऑफ एन, एन इज द सबसेट ऑफ यू, यहां से ट्रांजिटिविटी कहती है कि दिस इंप्लाइज दैट बी वन इज द सबसेट ऑफ यू, एक बार, लेकिन ये कैसा सबसेट है, ये एलआई सबसेट है, एंड एवरी एलाई सबसेट आइदर इटसेल्फ अ बेसिस और कैन बी एक्सटेंडेड एज द बेसिस, या तो खुद बेसिस होगा और या तो बेसिस के तौर पर एक्सटेंड किया जा सकता है, तो क्या एक्सटेंशन थ्योरम अप्लाई की जा सकती है, चले लगा इस बात को, ये बात कितने लोगों को नहीं समझ में आई, सबको आई, लिख देना इसी तरीके से, क्लियरली स्पष्टता, क्लियरली बी वन इज द सबसेट ऑफ एन एंड एन इज द सबसेट ऑफ यू, दिस इंप्लाइज दैट बी वन इज एलआई सबसेट ऑफ कैपिटल यू। पहले तो ये बताओ कि B1 is a linearly independent subset of U, और अगर LI subset है, either itself a basis or can be extended as a basis. अब हम extension theorem से इसमें element merge करने चाहते हैं। लिख लेना इतना तो बता। लिखा जाएगा नाउ बाई एक्सटेंशन थ्योरम, नाउ बाई एक्सटेंशन थ्योरम, नाउ बाई एक्सटेंशन थ्योरम बी वन कैन बी एक्सटेंडेड, B1
V1 को बढ़ाया जा सकता है, प्रसारित किया जा सकता है, कैन बी एक्सटेंडेड, V1 कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म, टू फॉर्म अ बेसिस, टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ कैपिटल U. V1 कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ कैपिटल U. चूंकि B1 एक LI सबसेट है किसका, आपके दिए गए वेक्टर स्पेस U का, और LI सबसेट है तो इसका मतलब आप B1 को एक्सटेंड कर सकते हो U के बेसिस के तौर पर. मान लिया U की डायमेंशन n है, माना मेरा जो डोमेन है डोमेन की डायमेंशन कितनी है n है. अगर डोमेन की डायमेंशन n है तो इसके बेसिस में क्या एलिमेंट आएंगे, n एलिमेंट. तो हम मर्ज करते हैं α1 α2 α3 αk, मेरे पास ऑलरेडी थे, हम और मिला रहे हैं αk+1 αk+2 αk+3 अप टू सो ऑन लास्ट में αn. तो बोलो 1 से लेके कितने तक हो गए, n तक. नाउ दिस इज द बेसिस फॉर द कैपिटल. क्लियर हुआ, लिखना. लेट डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू n, एंड इस सेट को b1 नाम दिए थे, इसको b2 नाम दे दो ना. हाँ, सीरियल में रखा जाए ज्यादा बेहतर पड़ेगा. B2 नाम दे दे, एंड B2 इज इक्वल टू α1 α2 से चलते चलते αk, फिर αk+1 और इस तरीके से चलते चलते αn इज अ बेसिस ऑफ कैपिटल U. रिकॉर्डिंग गलत तो नहीं, आप जाओ मतलब हम α k+1, तुम्हारी मर्जी, तुम α k+2 आगे लिख सकते हो. हम α k+1 α k+2 α k+3 ऐसे मिलाते चले गए, और तब तक इसमें मिलाए जब तक ये n एलिमेंट का कलेक्शन नहीं हो जाता है. तो α1 से αn तक ये पूरा का पूरा बेसिस है किसका, कैपिटल U का. थ्योरम की तरफ लौटो. थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कह रही है कि ये इतने इतने हिस्से लिखा, रैंक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी प्लस नलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू. और इसको हम लोगों ने क्या माना है, आया ना, रैंक कितनी मानी हुई है, के मानी हुई है. रैंक कितना मानी है, के मानी हुई है. तो इसका मतलब सॉरी नलिटी के मानी है, नलिटी के माने तो रैंक कितनी आएगी बताओ इस हिसाब से. दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टी इज इक्वल टू एन माइनस, अपने किसी तरीके से दिखा देना कि n माइनस के एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो रेंज के लिए बेसिस का काम करता है. अगर हम ये दिखा दें n माइनस के एलिमेंट का कलेक्शन, वर्डिंग सोचना, थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम कहती है रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू. हमने डायमेंशन ऑफ यू कितना माना, n. नलिटी क्या मानी, k मानी. तो इस हिसाब से थ्योरम के अकॉर्डिंग रेंज की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, n माइनस के, थ्योरम के अकॉर्डिंग. अब अगर हम यह साबित कर दें कि भैया n माइनस के एलिमेंट का कलेक्शन रेंज के लिए बेसिस का काम कर रहा है, तो क्या मेरा दावा सही हो गया कि नहीं हो गया. एक दावा कर रहे हैं कि थ्योरम के अकॉर्डिंग n माइनस के डायमेंशन होगी किसकी, रेंज की, और आप साबित कर दो कि n माइनस के एलिमेंट का कलेक्शन ही उसका बेसिस होगा, तो बेसिस भले बदल जाए डायमेंशन थोड़े बदल जाएगी, तो डायमेंशन हर बार क्या बनी रहेगी, n माइनस के. तो आपको एक दावा साबित करना है. क्लियर हुआ ये, आप सुनना कैसे होगा वो बताओ. खोजो n माइनस के एलिमेंट आपके पास हैं, n माइनस के एलिमेंट मेरे पास मौजूद है, कौन मौजूद है उनको देखना. ये बताओ α1 α2 α3 α4 से लेकर के αk आए, फिर αk+1 αk+2 से चलते चलते αn तक है. यहां से लेके यहां तक कितने लोग हैं, यहां से यहां तक सारे लोग, इधर देखो यहां से यहां तक कितने लोग हैं, n लोग. ठीक, आपके लोगों को निकाल दिए, कितने बचे, टोटल n लोग थे, आपने n में से k लोग डिलीट कर दिए, बचे कितने, n माइनस के. क्या आपके पास n माइनस के एलिमेंट आए, इनको मत बेसिस कहना, ये डोमेन के हैं, ये डोमेन के हैं, और मुझको बेसिस डोमेन का नहीं किसका बनाना है, रेंज का बनाना है. एंड रेंज इज द कलेक्शन ऑफ इमेजेस, रेंज किसका कलेक्शन है, इमेज का कलेक्शन. तो इनकी इमेज निकालो, इनकी इमेज देखो क्या होगी, ये हटा रहे हैं. अगर हम इनकी इमेज देखें तो बोलो टी ऑफ सॉरी α k+1 की इमेज क्या होगी, टी ऑफ α k+1. α k+2 की इमेज क्या होगी, टी ऑफ α k+2.
टू, इस तरीके से चलते हुए अल्फा के अल्फा एन की इमेज क्या होगी, थ्री ऑफ अल्फा एन। बोलो कुल कितने इमेज लिखी गई है, एन माइनस के इमेज लिखी गई है कि नहीं, आप इसी तरीके से साबित कर दो। ये जो एन माइनस के इमेजेस का कलेक्शन आया है, यही आपके रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटी के लिए किसका काम कर रहा है, बेसिस का। तो आपकी डायमेंशन कितनी हो गई, एन माइनस के, किसकी, रेंज की डायमेंशन। तो यह थ्योरम वेरीफाई हो गई कि नहीं हो गई, क्लियर है। तो मुझको बस एक क्लेम करना है, नाउ वी क्लेम दैट दिस कलेक्शन इज अ बेसिस फॉर द रेंज ऑफ टी, और अपने दावे को साबित करना है। मेरा दावा बस दो कंडीशन पर साबित हो जाएगा, दिस सेट इज द एलआई एंड स्पैन होल रेंज, और अकेले पूरी रेंज को क्या कर देगा, स्पैन कर देगा। दो बात आप साबित कर दो, एलआई आप आसानी से दिखा सकते हो, स्पैन भी दिखा सकते हो, दोनों काम आसान है। ये सारी थ्योरम का पूरा कच्चा चिट्ठा समझ में आया क्या होने चल रहा है सब कुछ। एक बार ऐसी एक थ्योरम और हुई थी अगर याद हो तो, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन, याद आया, डब्ल्यू वन लीनियर सम डब्ल्यू टू। तो वहां पर सबसे पहले इंटरसेक्शन सबसे छटका होता था, उसी इंटरसेक्शन का मानते थे, और इंटरसेक्शन का मान करके फिर उसके बाद उसको एक्सटेंशन लगाते थे, और फिर एक दावा करते थे के प्लस एम प्लस एल डायमेंशन साबित करना, यही काम था कि नहीं, टिट्टो वही काम करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे। मतलब ये थ्योरम पढ़ रहे हो तो समझ लो उसका बिहेव कर रहे हो, वो पढ़ रहे हो तो इसका कर रहे हो, एक जैसा बिहेव है दोनों का। चले शुरुआत करें, इतना समझ गया तो सब समझ जाओगे, फिर नहीं दिक्कत, फिर तो एलआई एलडी कहना है। टैलेंटेड पढ़ाई है तुम लोग, कभी कभी बौरा जाते हो ना, कभी कभी बौरा जाते, अच्छा दिखाते नहीं तुम लोग, ये सही है ना, अपनी तारीफ हमने कहा तक लिखे हो ये बताओ भैया, हम ही भूल गए बॉर्डर लिखे हैं, भूल गए, लेट डायमेंशन ऑफ इमेज इक्वल टू दिस एंड दिस, अच्छा ये मिट गया ना, इस अ बेसिस। चल अब इसके आगे से शुरुआत करना, लिखना Then, then, सबसे पहले एक काम करो ना, ये जो अल्फा वन अल्फा के प्लस वन अल्फा के प्लस टू अल्फा एन है, इनकी इमेज को रेंज में दिखाओ, क्योंकि पहले तो आपको ना रेंज के एलिमेंट चुनने पड़ेंगे, और रेंज के एलिमेंट को चुन करके तब बेसिस बनाएंगे, तो पहले इनको रेंज में लेकर के जाओ। देन टी इमेज ऑफ अल्फा के प्लस वन कॉमा टी इमेज ऑफ अल्फा के प्लस टू सो ऑन टी इमेज ऑफ अल्फा एन all belong to the range of the transformation capital T. Note that. All belong to the range of the transformation capital T. और ऐसे लिखे ना, total n minus k elements. Total n minus k elements. आज 3 मार्च है, इस थ्योरम के ऊपर 3 मार्च की डेट डाल देना, इसको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे 3 मार्च की डेट पर। बाय द वे कल को कोई भूल जाता है कैसे प्रूफ हुआ था, नहीं समझ में आ रहा है, तो 3 मार्च का वीडियो लेक्चर ओपन करके फिर से देख लेना, सब लोग इस पर डेट डाल दो 3 मार्च, नहीं भूलेंगे अभी वो निश्चित ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कई लोग इसमें से भूल जाएंगे कि कैसे प्रूफ हुआ था, क्यों ये अजम्पशन दिया गया था, क्यों ये दिया गया था, तब यही काम देगा, उठा करके 3 मार्च की वीडियो 1.5 पर भगा लो स्पीड में, और उसका सुनते हुए निकल गया मतलब हम इतना धीमे बोलते हैं, नहीं यार ऊपर ही लगता इतना धीमे बोलते हैं, ऊपर धीमे लगता है 1.75 पे, और उसके बाद मेरी समझ में आती है, हमको तो लगता है मेरी आवाज बहुत जल्दी जल्दी है, एकदम धीमा करके ऐसे हो, एकदम धीमा करके we claim that
टी इमेज आर अल्फा के प्लस वन कॉमा टी इमेज आर अल्फा के प्लस टू कॉमा सो ऑन टी इमेज आर अल्फा एन। सुनो इधर इधर वापस आओ, आप दावा करने चल रहे हैं। We claim that, हम ये दावा करते हैं कि ये जो सेट निकल के आया, this set is a basis for the range of transformation capital T. We claim that this set is a basis for range of the transformation capital T. We claim that this set is a basis for the range of transformation capital T. और दावे को साबित करने के लिए मुझको बारी बारी दो चीजें दिखानी है, पहला सेट को एलआई दिखाना और दूसरा स्पैनिंग दिखाना। नोट करो तो पहली हेडिंग डालें सेट इज एलआई, सबसे पहली हेडिंग। इस सेट को अभी ना हेडिंग नहीं कैपिटल एस नाम दे दीजिए, पहला कैपिटल एस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ टी इमेज ऑफ अल्फा के प्लस वन T image of alpha k plus 2 up to so on T image of alpha n is linearly independent. पहली हेडिंग सेट को एलआई कहने चल रहे हैं, पहले स्पैन निपटा दो ना, बाकी एलआई निकालना आसान हो जाएगा अपने लिए। इस स्पैन ऑफ कैपिटल एस इज इक्वल टू स्पैन ऑफ टी इमेज ऑफ अल्फा के प्लस वन टी इमेज ऑफ अल्फा के प्लस टू so on t image of alpha n and this is equal to range of the transformation capital T dash. पहली हेडिंग। अब span of s और span of this का मतलब हम यस बराबर दिस मान लिए हैं, ठीक। कल को कौन बार बार इतना लंबा सेट लिखेगा, हम सीधे लिखेंगे कैपिटल यस। हेडिंग पर जब बताना शुरुआत करें, सुनो अब थोड़ी देर लिखना मत, थोड़ी देर कुछ भी अभी लिखा रहे, पहले इत्मीनान से समझ लो। ये बताओ मुझको ये दिखाना है कि अगर आप इसका स्पैन करते हो तो आपको रेंज मिलता है, इसका स्पैन करने पर आपको रेंज मिलेगी। इसका मतलब रेंज में बैठा हुआ हर मेंबर इन लोगों की वजह से बनाया जा सकता है, यही तो स्पैन का मतलब हुआ। रेंज का एक जनरल मेंबर चुन लो और कह दो अगर आप रेंज के मेंबर हो तो हम आपको लिख के दिखाने चल रहे हैं कि आप इन लोगों से बनाए जा सकते हो। इफ बीटा बिलोंग टू द रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टी, इफ बीटा बिलोंग टू द रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टी एंड वी कैन राइट दिस बीटा एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी ऑफ अल्फा के प्लस वन टी ऑफ अल्फा के प्लस टू टी ऑफ अल्फा एन, इट मींस बीटा इज आर्बिट्री मेंबर सो एनी मेंबर ऑफ द रेंज कैन बी जनरेटेड बाय दीज मेंबर। हाँ या ना, वापस सुनना फिर धीमे धीमे बोल रहे हैं। हम ये कहने चल रहे हैं लेट बीटा बिलोंग टू द रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी, माना बीटा रेंज का मेंबर है एंड बीटा इज एन आर्बिट्री मेंबर। इफ दिस बीटा कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट देन बीटा इज आर्बिट्री सो एनी मेंबर ऑफ द रेंज कैन बी जनरेटेड बाई दीज एलिमेंट, वो इनसे जनरेट किया जा सकता है। हाँ या ना, और जब पूरे रेंज का कोई भी एलिमेंट इनसे जनरेट किया जा सकता है तो रेंज को बनाने के लिए क्या यही लोग जिम्मेदार हुए कि नहीं? बाद में एलआई हो गए तो यही लोग क्या बन जाएंगे? बेसिस बन जाएंगे। अब कैसे प्रूफ होगा वो सुना। लेट बीटा बिलोंग टू द, पहले लिखना मत केवल समझ लो, लेट बीटा बिलोंग टू द रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल। बीटा किस में आ रहा है? रेंज में। जो चीज रेंज में आती है वो किसी की इमेज रही होती है, इट मींस
देयर मस्ट एग्जिस्ट अ प्री इमेज ऑफ बीटा, इसका मतलब बीटा की कोई ना कोई प्री इमेज रही होगी। अब वो प्री इमेज एक भी हो सकती है, वो प्री इमेज एक से ज्यादा। अगर मैनी टू वन का फंक्शन है, सोचो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कह लोग पांचों की इमेज दो पर भेजती है, मैनी टू वन है कि नहीं, तो दो के पास प्री इमेज है, कितनी प्री इमेज है, पांच, कम से कम एक तो है ही है ना, कम से कम एक। तो जो चीज रेंज में आती है उसकी प्री इमेज जरूर होती है, तय हो गया। हम बीटा को मान रहे हैं, लेट बीटा, अगर आप इसको कोई गलती से बीटा को डोमेन का ले लिया, सॉरी को डोमेन का ले लिया, मान लो किसी ने कहा ध्यान नहीं दिया और बीटा बिलोंग टू को डोमेन रख दिया, को डोमेन रेंज नहीं होता, रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। हो सकता है कि रेंज को डोमेन के बराबर हो सकता है ना बराबर हो, क्या जरूरी है बराबर होगा, यहां पर कहा तो नहीं गया ना, आपको तो ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं दिया गया, तो क्या आप बीटा को कोडोमेन का उठा के चलोगे। अगर आपने बीटा को कोडोमेन का उठाया और वो रेंज में आया ही नहीं है, इसका मतलब उस बीटा की कोई प्री इमेज मौजूद नहीं है, तो लिखने किसके कॉम्बिनेशन में जा रहे हो, गलती हुई कि नहीं, इसका मतलब बीटा कोडोमेन से नहीं हर बार कहां से उठेगा, रेंज से, क्योंकि मुझको कोडोमेन नहीं बनाना, मुझको क्या बनाना है, रेंज बनाना है। एक बार रेंज बन गई और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो गया तो कोडोमेन ऑलरेडी जनरेट हो गया कि नहीं हो गया, तो अपने को रेंज का किस्सा डील करना है। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि लेट बीटा बिलोंग टू द रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी, और अगर बीटा रेंज का है, ध्यान से समझना, ओ महाराज इधर देखो कहां नीचे घुसे पड़े हुए हो, फिर अभी खोपड़ी सटका होगी मेरी, हाँ मतलब नीचे कहां मिलता है, कहां मिलता है नीचे बताओ, कहां सोच रहे हो, वीडियो लेक्चर से बाद में समझ लोगे, अब इन्हें डिलीट कर देंगे। ये ना करो, मतलब दुनिया इसमें पगलाई पड़ी है, झुकेगा नहीं क्या यार, मतलब साइन हम हर क्लास में एक के बाद से सबसे ज्यादा त्रस्त हैं, जब हम कोई ढंग का टॉपिक समझा रहे होते हैं, खरब का भी हंसी मजाक कर रहे हैं ना, सब ऊपर करके सब ऐसे कर रहे हैं, और ढंग का टॉपिक समझा रहे खोपड़ी नीचे गाड़ लेते हो, कहां पाते हो, हमारा टाइम खोटा होता है, काहे लिख रहे थे यार, हम है जिंदा, टाइगर जिंदा है, शिकार नहीं हुआ है मेरा अभी ना, तुम भूल जाओगे हम फिर बताएंगे, हम मरने वाले नहीं, हम अपने घर जाते हो कि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, इधर समझा रहे तब तक समझ लो। अब अच्छा उधर वो एक टॉपिक लिख रहे हो, इधर हम जो बोल रहे हैं कि काहे डोमेन में, हम तुमको बड़ी देर से देख रहे हैं, हम जब से उसको कोडोमेन में जाने से इनकार किया तब से हम उनको देख ही नहीं रहे, अब उसके बीच में हम कुछ और बोल गए तो पता चला तुम उसको नहीं ध्यान दे रहे हो, हम तो कह रहे ना वीडियो लेक्चर पढ़ा हुआ है, डेट डालो 3 तारीख की, कहे कि नहीं कहे, कहे कि नहीं कहे, तब 3 तारीख की डेट डालो, अब कहो या तो डेटा नहीं खर्चा करो, डेटा तितलियां वर्ग अब खर्चा करना है, मतलब हम ठंडा रहना चाहते हैं तुम हमको चूड़ी भर के गर्म कर रहे हैं, हर क्लास का ये पंगा, यही पंगा फर्स्ट ईयर का है, यही पंगा सेकंड ईयर का है, यही पंगा थर्ड ईयर का है, अब हम समझाते समझाते मर जा रहे हैं कि भैया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं अभी नहीं पढ़ोगे, बाद में किसी रैली में जाकर के किसी चुट्टे नेता के पीछे नारा लगाओगी, समझे ना, अब खोपड़ी नीचे नहीं जानी चाहिए ना, अब नहीं जानी चाहिए नीचे, अदरवाइज ना मुझको वर्डिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि खोपड़ियां कुर्बान कर दी जाएगी, ये गलत बात ना पकड़ो, ये धमकी बहुत प्रेम के अंदाज में दी गई, इस पर मसाला छिड़कवाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत होगी। बीटा बियॉन्ड टू रेंज ऑफ टू, चलो इसको रेंज में लेकर के चल रहे हैं, अब ऐसे भी बताए तुम 63 लोग ना कहीं जा नहीं सकते हो, ये भी याद रखना, आखिरी शब्द यही है मेरा, तुम 63 कहीं जा नहीं सकते, तुमको पढ़ाने का दमखम रखे हैं, तुमको खींच के लाएंगे पढ़ाएंगे, तो अगर बुरा भी लग रहा होगा ना जज्ब करके रख लेना, विकास इसको रेंज में ले लिया, अगर इसको रेंज में ले लिया, अब मुझको पता है इसके पास चाहे एक प्री इमेज हो चाहे 10 प्री इमेज हो, प्री इमेज तो होगा होगा, आप रेंज में घुसे क्यों, घुसे तो इसका मतलब आपकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी, अब इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अल्फा, और प्री इमेज कहां बैठती है, कोडोमेन की डोमेन, डोमेन अल्फा बिलोंग टू द कैपिटल यू सच दैट टी इमेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना बीटा, हाँ है ना,
अब थोड़ी देर के लिए बीटा को रहने दो, थोड़ी देर के लिए ये शांत रहे, ये चीज मेरे पास ऐसे ही पड़ी रहेगी। आओ अल्फा के पास, अल्फा को अभी अभी लेकर के आए, अल्फा के ऊपर मेरा दिमाग ठनक गया, अल्फा बिलोंग टू द यू और यू का बेसिस ऑलरेडी मान चुके हैं, कहां गया, बढ़िया, ये रहा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के अल्फा एन, दिस इज द बेसिस फॉर द कैपिटल यू। और अगर कोई यू में घुसने की कोशिश करेगा तो दिस अल्फा कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट, हाँ या ना? और अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट है तो देखो क्या बना, नाउ अल्फा कैन बी रिटन एज ए वन इंटू अल्फा वन प्लस ए टू इंटू अल्फा टू, इस तरीके से चलते हुए प्लस ए ना ना ए के इंटू अल्फा के, स्टॉपेज है स्टॉपेज, आप के को तो हटा ही नहीं सकते हो, प्लस ए के प्लस वन, अभी वो बताएगा क्यों हमको नहीं हटाओगे। अगर आप घर के खास मेंबर को हटा दोगे ना आपका गणित गड़बड़ा जाएगा, ये घर का खास मेंबर है, कौन, निठल्ले लोग घर के बहुत खास होते हैं, हाँ कोई काम वाम होगा ना तो निठल्ले हैं, उनको काम बताया ही नहीं जाएगा, वो नन स्पेस का मेंबर है, उसको काम बताओगे तो वैसे ही पहले जब लिस्ट बनती है काम की ना तो कहते भैया फलाने कौनो काम जिंदे है ना, फलाने जुआ खेल रहे हैं, तो फलाने पहले किनारे हुए, सोचो घर के बाकी मेंबर के लिए कपड़ा खरीदा जाए ना जाए, फलाने के लिए खरीद देना, नहीं नंगा जाएंगे सात दिन तो पता चलेगा, कहेंगे बियावा हो ही ना दे दे तो फलाने पहले ही किनारे हुए। तो ये लोग ना अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के किसमें बैठे हैं, नल स्पेस का बेसिस है, जो नल स्पेस का बेसिस है वो वास्तविकता में किसका है, नल स्पेस का मेंबर है, आप इनको नहीं डिलीट कर सकते, इनको तो आपको रखना पड़ेगा, ए के प्लस वन अल्फा के प्लस वन और इस तरीके से चलते हुए प्लस ए एन अल्फा एन हुआ। ये तो अल्फा ने अपनी बात कही, लेकिन अब सुनना मुझको क्या चाहिए, टी ऑफ अल्फा ऑपरेट कराओ, लेकिन टी कौन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ए वन बाहर टी इमेज ऑफ अल्फा वन, ए टू बाहर टी इमेज ऑफ अल्फा टू, सो ऑन, ए के बाहर टी इमेज ऑफ अल्फा के, ए के प्लस वन बाहर टी इमेज ऑफ अल्फा के प्लस वन और ए एन बाहर टी इमेज ऑफ अल्फा एन। लेकिन कहानी यहां से पलट गई, ये इतना पूरा बिकॉज अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के आर द बेसिस एलिमेंट ऑफ द नल स्पेस, और जो नल स्पेस का बेसिस है वो नल स्पेस का मेंबर है, और नल स्पेस के मेंबर अपनी इमेज क्या देते हैं, जीरो, मतलब जिनको आप ढो रहे थे कंट्रीब्यूशन के तौर पर, किन्होंने मुझको बनाने में कंट्रीब्यूशन करेंगे, वो ना पूरा का पूरा लखेरे निकल गए। काम केवल कौन आया, टी इमेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए के प्लस वन टी इमेज ऑफ अल्फा के प्लस वन प्लस ए के प्लस टू और टी इमेज ऑफ अल्फा के प्लस टू, ये जीरो नहीं होंगे क्योंकि ये नल स्पेस में नहीं आए हुए हैं, और इस तरीके से चलते हुए प्लस सो ऑन प्लस ए एन टी इमेज ऑफ अल्फा एन। लेकिन टी ऑफ अल्फा कौन था, बीटा, तो ये भी गया, कौन आया, बीटा, बीटा किसका मेंबर था, रेंज का, देखो बीटा किसका था, रेंज का, नाउ द मेंबर ऑफ द रेंज कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट, हाँ या ना, और बीटा कैसा मेंबर था, आर्बिट्री, नाउ आर्बिट्री मेंबर कैन बी जनरेटेड बाय यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स, इट मींस दीज एलिमेंट्स स्पैन होल रेंज आर ऑफ टी, हाँ या ना, कर गया स्पैन की नहीं कर गया, स्पैन हो गया। मेन कहानी कहां थी, एक बीटा को रेंज का चुन करके उस बीटा के लिए उसकी प्री इमेज अल्फा को ले आना, अल्फा को बेसिस एलिमेंट में लिखना और बेसिस एलिमेंट में टी को ऑपरेट कराना, और अल्फा वन से अल्फा के तक की इमेज का क्या हो जाना, जीरो, बाकी बचा आपका हिस्सा। पल्ले पड़ी बातें है आसान, अब चलो लिखते हैं, अच्छा हम पूरा मिटा दे रहे हैं इस बात को, हम ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम पड़ रही है, हेडिंग पड़ी हुई है ना, हेडिंग पड़ी है उसी हेडिंग के अंतर्गत लिखवा, लेट बीटा बिलोंग टू द रेंज ऑफ टी, लेट बीटा बिलोंग टू द रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी, और अगर बीटा रेंज का है तो आप सब लोग जान लो, देयर एग्जिस्ट एन अल्फा विच इज द प्री इमेज ऑफ बीटा, it means there, this implies that there exists alpha belong to the capital U such that, जो इस प्रकार है कि t image of alpha is equal to beta, since alpha belong to the capital U, ठीक, so it can be, हम पूरी बात लिखते हैं, so it can be written as, it can be written as linear combination of basis element of capital Q, हाँ है ना,
और कैपिटल यू का बेसिस कौन था, बी वन था कि बी टू था, बी टू था, दैट इज अर्थात डी आर एग्जिस्ट ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए के, ए के प्लस वन सो ऑन, ए एम बिलोंग टू फील्ड एफ सच दैट ये लोग फील्ड से आएंगे आएंगे और कैसे आएंगे कि वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए के छोड़ना मत इसको अल्फा के प्लस ए के प्लस वन अल्फा के प्लस वन प्लस ए के प्लस टू लिख देना एक अल्फा के प्लस टू और प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन अल्फा एन। लिखने में जरूर ये भारी गड़बड़ है, थ्योरेटिकल है ये पोर्शन लेकिन वास्तविकता में लीक से लीक इसकी जुड़ी हुई है, तुरंत समझ में आता है। पहले नल स्पेस का बेसिस माना, सोचो स्टेप स्टेप है, आप जैसे स्टॉपेज गिनते हो ना कहां कहां रुकोगे, सबसे पहले नल स्पेस की डायमेंशन मानी नलिटी, उस डायमेंशन के हिसाब से आपने एक बेसिस माना, वो नल स्पेस जो मेंबर होता है वो आपके किसका होता है डोमेन का, तो आप एक्सटेंशन थ्योरम से डोमेन का बेसिस बनाते हो। फिर आप आ जाते हो जब आपने एक्सटेंड किया तो पहले ही के एलिमेंट थे आपने और कर दिया तो एन माइनस के एक्स्ट्रा आपने डाल दिए उसमें, एन माइनस के जब आपने एक्स्ट्रा डाल दिया तो उसी एन माइनस के की इमेज बना लिया और वो जो इमेज निकल करके उसी इमेज को आप रेंज का बेसिस साबित करना चाहते थे, बस इतनी कहानी है। दिस इंप्लाइज अब टी को ऑपरेट करा दें, टी इमेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए वन, हम पूरा लिनियरिटी अप्लाई कर दें क्या जबरदस्ती फिर से टी ऑफ दिस उसके बाद फिर करें लास्ट में लिख देंगे टी इज द लीनियर, तो ए वन टी इमेज ऑफ अल्फा वन प्लस ए टू टी इमेज ऑफ अल्फा टू प्लस सो ऑन प्लस ए के टी इमेज ऑफ अल्फा के प्लस ए के प्लस वन टी इमेज ऑफ अल्फा के प्लस वन प्लस ए के प्लस टू टी इमेज ऑफ अल्फा के प्लस टू, इस तरीके से चलते हुए प्लस ए एन टी इमेज ऑफ अल्फा एन, यहां पर लिख देना सिंस कैपिटल टी इज लीनियर, क्योंकि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है लीनियर, इसलिए हम टी ऑफ दिस करें और चाहे ए वन टी ऑफ दिस ए टू टी ऑफ दिस ए, इस तरह से दोनों बातें बराबर होंगी। अब ये कठिन हो गया, ये भूल गया, नहीं समझ में आ रहा, मेन रीजन उसका यही है, खाली मेन रीजन कट्टा हुआ दिमाग। क्लासरूम तुम्हारे पास केवल और केवल 45 मिनट एक घंटे का, इससे ज्यादा नहीं, वो तो अपनी आखिरी क्लास है तो 8:15 से लेकर के लिए हैं, जब तक चलती रहे 9:30-10 जब तक चलती रहे हम लोग लिए, बाकी रेगुलर क्लासेस तो दुनिया एकदम पूरी तरह से भांग खाई पड़ी, 45 मिनट की क्लास लगाते कॉलेज में, 45 मिनट की क्लास होती है कोचिंग, ना कॉलेज सुधर रहा है ना कोचिंग सुधर रही है, 45 मिनट की क्लास में कोई सब्जेक्ट नहीं चल सकता, हिंदी भी नहीं चल सकती, हमको कौन हिंदी दे पढ़ाने के लिए, 45 मिनट में हिंदी भी नहीं चल सकती, बताएं क्यों नहीं चल सकती है, इसलिए नहीं चल सकती है क्योंकि हिंदी हम पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी में तुमको बांचे पड़े हुए हैं ना, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, देश भर का अलंकार बांचे पड़े हुए हैं, नाता मोती अधर की कांत से बीज गाड़ी का समझ कर भांति से, हमको बोलना आ रहा है, मास्टर को बोलना आए वो एक रिक्वायरमेंट है क्लास की, स्टूडेंट को भी बोलना आना चाहिए वो दूसरी रिक्वायरमेंट है क्लास की, अब तुमको बोलना आए ये शायद प्रायोरिटी में रखा जाता है, तब पता चलेगा ना कि बीच बीच से एक एक लोगों को खड़ा कर रहे हैं, एक पैराग्राफ तुम पढ़ो वो एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, किसी और को खड़ा किया, पूरा पाठ पढ़ाने के बाद की हाल ये होगी ना, इनको खड़ा किया एक पैराग्राफ तुम पढ़ो किसी और को खड़ा किया, जो पैराग्राफ इन्होंने पूछा उसमें पहली लाइन का भावार्थ बताइए क्या होगा, तब क्लास डेवलप होती है, नाम ही क्या है क्लास, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और अपना वेल डिफाइंड क्या है, अपना वेल डिफाइंड मास्टर बड़बड़ बड़बड़ बोल सकता है, लड़कों खड़ा कर दो ओ सर जी जैसे एसिडिटी बनी हुई है, ओ सर जी अटक गए, चंद चंद स्टूडेंट निकल करके आए बेहतरीन परफॉर्मेंस, कल को उनका बोर्ड टंग जाता है, कोचिंग वाले टांग देते हैं, इतना सिलेक्शन मेरे यहां से हुआ, कभी ये भी बता दो ना जितना सिलेक्शन तुम्हारे यहां से हुआ कई साल से तुम्हारे यहां पढ़ रहे हैं, कई साल से दूसरे के यहां पढ़ करके आए, कभी लिखे 6 महीने वाले पढ़ने वाले सिलेक्शन दिया, क्योंकि तुमको भी पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, अर्थपूर्ण जगत है पूरे तरीके से, चीजें व्यवस्थित नहीं है पूरे तरीके से, स्टूडेंट को इस बात का ख्याल करना है,
व्यवस्था तो ऐसे ही कर दो, तो कम से कम जब तक चल रहा है तब तक कंसंट्रेट रहो। इसके बाद निकलो आपस में हंसी मजाक करो, किसने रोका है? फिर कौन सा तुमको इतना एकदम तुम्हारे ना गर्दन पे चाकू रख करके समझ जाओ मैं तुम, यह भी तो नहीं हो रहा है। तो काय भांग पड़ी व्यवस्था में उदय मुंह भर करके भांग खाना कहां से अच्छी बात है? भांग पड़ी व्यवस्था में जितनी देर सांसें रोक सको रोक, थोड़ा सा लो थोड़ी भांग अंदर जाए फिर रोक लो, ऐसा नशा ना चल जाए कुछ हम डूब करके मर जाओ। तो अभी पूरी व्यवस्था में भांग पड़ी हुई है, ये नहीं सुधरने वाली है, ये नहीं सुधरेगी, मेरे अकेले सुधारने से नहीं होगी, कुछ और मेरी तरह पागल हैं उनके सुधारने से भी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग ना कंपोनेंट हो चुके हैं और पूरे कंपोनेंट का असर पड़ता है, एक दो कंपोनेंट का असर नहीं पड़ता, ये बात समझनी पड़ेगी तुम्हें। तो जितनी देर उतनी देर कंसंट्रेट रहो, उसके बाद फिर जाओ, फिर नहीं दिक्कत है। मैथ है पैसे भी हवा हवाई नहीं है, हम हिंदी पढ़ाते हैं हिंदी कठिन हो जाएगी, पढ़ा दे बस खाली ना। हाँ सही में रीजन हमको पता है ना, रीजन यही है उसका, क्योंकि लोग पुरेद नहीं रहे हैं चीजों को, लोग चीजों को पुरेदे ना तो पता चलता है अंदर में क्या क्या छिपा बैठा हुआ है, सतही तौर पर ऊपर ऊपर निकल गया है, सतही तौर पर एक पानी शांत दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो पानी तुम्हारे लिए खतरनाक नहीं है। उस पानी में उतरोगे तो क्या पता कोई एकदम कोल्ड ब्लडेड हंटर पड़ा हो उसमें, एकदम ठंडे खून का शिकार, वो अंदर में बैठा हुआ तुम्हारे पैर रखने भर का इंतजार कर रहा है, पैर रखने के बाद भी नहीं बोल रहा है, रख दिए पैर दो कदम और आगे चलो तब वो बोलेगा, और तब बोलेगा जब तुम्हारे पास वापसी की जगह नहीं बचेगी। कोई भी सब्जेक्ट हो ना एकदम शांत होता है ऊपर से दिखता है, क्या है हिंदी है क्या है गणित है, जब पैर रखते हो ना तो पता चलता पहला आठ गया दूसरा आठ गया तीसरा कठिन आ गया, अब तुमको वो खींचना शुरू किया अपने अंदर में, लड़ने का जज्बा है लड़ो, और नहीं है तो डूब करके मारो निश्चित तौर पर। ये हिंदी हो इतिहास हो भूगोल हो कुछ हो सबका हाल यही है, और फिर ये तो गणित है, इसके लिए तो अलग ही मानता है। This implies that T of alpha is equal to, सुनो इतना पूरा हिस्सा ये और ये, बाद में कॉर्नर पर बताएंगे क्यों जीरो हुआ, पहले इन सब को हटा करके सीधे लिख रहे, दिस इज इक्वल टू ए के प्लस वन टी ऑफ अल्फा के प्लस वन। प्लस ए के प्लस टू टी ऑफ अल्फा के प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन टी ऑफ अल्फा एन। ठीक यहां रीजन बताना, सिंस क्योंकि, इसलिए क्योंकि अल्फा वन अल्फा टू सो ऑन अल्फा के बिलोंग टू द, किससे बिलोंग किए थे बी वन, किससे बिलोंग किए बी वन एंड विच इज द सबसेट ऑफ एन, और एन कौन है नल स्पेस, दिस इंप्लाइज दैट टी ऑफ अल्फा वन बराबर टी ऑफ अल्फा टू बराबर सो ऑन, सब बराबर पे चल रहे हैं, सो ऑन टी ऑफ अल्फा के और ये सब बराबर कितना जीरो, ऐसे लिख देना एक लाइन में सारी बात, जिनकी इमेज जीरो हो गई उनका कंट्रीब्यूशन भी जीरो हो गया। और अब धीमे से टी ऑफ अल्फा की वैल्यू देखो, T of alpha है कितना बीटा, this implies that beta is equal to a k plus 1 T image of alpha k plus 1 plus a k plus 2 T image of alpha k plus 2 plus up to so on plus a n T image of alpha n। That is बीटा कैन बी जेनरेटेड बाई एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एस, कैपिटल एस ही तो सिर्फ माने थे, बीटा कैन बी जेनरेटेड बाई द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एस, आप बीटा को कैपिटल एस के एलिमेंट से जेनरेट कर सकते हो, यानी एक बार फिर साफ हो गई, इसका मतलब ये हो, दिस इंप्लाइज दैट स्पैन ऑफ कैपिटल एस इज इक्वल टू रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल, पहला दावा हो चुका है। अब एल आई दिखाना रह गया, पहला दावा हमने साबित कर दिया, दूसरे दावे में एल आई दिखाना है, तो मतलब एक लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार किया जाएगा किसका, यस के एलिमेंट का,
एक लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार किया जाएगा और बाद में दिखाएंगे उसके आगे जो कोफिशिएंट लगाएंगे मतलब उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जीरो वेक्टर बनाने का क्या तरीका, एक से ज्यादा नहीं। और जिसको बाद में दिक्कत लगी यहां पर लिख देना एस बीटा इज आर्बिट्री, क्योंकि बीटा आपने कैसा चुना था आर्बिट्री, तो आप जो भी बीटा लोगे वो ऐसे जनरेट किया जा सकता है कैपिटल एस के एलिमेंट से, इसलिए आप सीधे लिख सकते हो स्पैन ऑफ द कैपिटल एस इज इक्वल टू रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी, स्पैन कर ले एल आई और दिखा देंगे बस बेसिस बन जाएगा, नोट कर लो तो पूरा मिटाया जाए। लॉन्ग आंसर में अच्छा खासा नंबर देकर के बारे में टफ बिल्कुल नहीं, इसको आप टफ नहीं कह सकते क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, लेंदी है कॉन्सेप्ट जोड़ना है, लेंदी है टफ बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से इतना आसान कॉन्सेप्ट तो शायद ही दिखेगा कि आप एक ले रहे हो उसको बढ़ा के दूसरा बना रहे हो उसमें कुछ खत्म हो जा रहे हैं जो बच रहे हैं उन्हीं से आपको डील कर रहे हैं। ये पूरा हो जाए तो हम सब मिटाएं, अब हम एल आई के लिए काम करेंगे कि एल आई हो जाए। अगली हेडिंग चाहे तो डाल देना कैपिटल एस इज एल आई, अगली हेडिंग कैपिटल एस इज एल आई। इस तरीके से चलते हुए T of alpha m is linearly independent। कौन सा वैसे लिख दिए ना, देखने में एकदम क्लियर है कैपिटल एस कौन है, लिखने में कंजूसी करेंगे तो पता चलेगा बाद में समझने में कंजूसी हो जाएगी, या तो आप आज खर्च हो जाओ या तो आप कल खर्च हो जाओगे, खर्च को आपको होना ही कभी भी हो जाओ। चलो शुरुआत करते हैं, सुनो इनको एल आई दिखाना है, इनको एल आई दिखाना है तो इसका मतलब मेरे पास एक रास्ता है कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या तैयार करें जीरो वेक्टर, और साबित करें कि जीरो वेक्टर को तैयार करने का एक ही तरीका है कि सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएं जीरो हो जाए, क्योंकि ये लोग नल स्पेस का नहीं है इसलिए इनमें से किसी की इमेज जीरो नहीं होगी, ये खुद कोई भी जीरो नहीं है, तो नॉन जीरो वेक्टर से जीरो वेक्टर को तैयार करने का एक तरीका मिलेगा तो ये लोग क्या हो गए एल आई हो गए। लिखना लेट माना सी के प्लस वन टी इमेज ऑफ अल्फा के प्लस वन प्लस सी के प्लस टू टी इमेज ऑफ अल्फा के प्लस टू। तो मुझसे पूछ सकते हो क्यों आप ए के प्लस वन ए के प्लस टू को ड्रॉप कर दिए, क्योंकि कई लोग ये कंफ्यूज हो सकते हैं, अच्छा पहले वाला था इसका मतलब ए वन ए टू ए के ही जीरो हो जाएगा, नहीं वो जीरो नहीं होगा, वो एक अलग कोफिशिएंट था, अभी भी एकदम नया कोफिशिएंट, हो सकता है ये पुराने वाले हो, हो सकता है पुराने वाले ना हो, तो नए कोफिशिएंट से काम कर रहे हैं। प्लस अटुसो ऑन प्लस सी के प्लस सी एन सी एन और टी इमेज ऑफ अल्फा एन इज इक्वल टू जीरो। मान लिया कि यहां पर वेयर, आगे हम लिख दे रहे हैं वेयर, जहां पर सी के प्लस वन सी के प्लस टू से लेकर के सी एन, ये जो लोग हैं ये किससे बिलोंग कर रहे हैं फील्ड एफ, सोचो हम
टी ऑफ अल्फा के प्लस वन, टी ऑफ अल्फा के प्लस टू, टी ऑफ अल्फा एन, इन वेक्टर को उठा करके क्या बना रहे हैं, जीरो वेक्टर। अगर इनसे जीरो वेक्टर को बनाने का एक तरीका हुआ, केवल एक तरीका, तो ये लोग क्या बन जाएंगे, एलआई। और वो एक तरीका सबको पता है क्या होने वाला है, सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, जीरो। सी के प्लस वन बराबर जीरो, सी के प्लस टू बराबर जीरो, सी एन इज इक्वल टू जीरो, सारे कोफिशिएंट जीरो हो तो एक तरीका, कोई कोफिशिएंट नॉन जीरो बच गया तो आपके पास एक से ज्यादा तरीके, कुल के तरीके तब इनफाइनाइटली मैनी तरीके, और उस वक्त ये एलआई नहीं हो सकता, इनको जीरो करना। अच्छा, अपने दिमाग से सोच करके बताना, सोच करके, कैपिटल टी क्या लीनियर है, शुरू में दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन टी लीनियर है, तो हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट टी इमेज ऑफ सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन प्लस सी के प्लस टू अल्फा के प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस सी एन अल्फा एन और बराबर कितना, जीरो। आया ना, नोट कर। और दिमाग सबका तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, अंदर में आपने एक ऐसा वेक्टर डाल दिया है, अंदर में आपने एक ऐसा वेक्टर डाला है जिसकी इमेज क्या है, और जिन लोगों की इमेज जीरो होती है वो लोग कहां होते हैं, नल स्पेस में होते हैं, याद आया। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन प्लस सी के प्लस टू, मैंने केवल एक एजम्पशन समाना, बस केवल एक एजम्पशन, कि इन लोगों के कॉम्बिनेशन से क्या तैयार कर रहे हैं, जीरो। आगे का रास्ता मुझको अपने आप मिल रहा है, आगे का रास्ता अपने आप है कि टी लीनियर है तो टी को बाहर खींचो, अंदर में लोग पड़े उनकी इमेज क्या हुई, जीरो, और जिनकी इमेज जीरो होती है वो कहां जाते हैं, नल स्पेस में। आगे सारा रास्ता अपने आप है, अल्फा के प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस सी एन अल्फा एन बिलोंग टू द नल स्पेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर। और इस क्लास में बैठे हुए सभी लोगों को पता है कि नल स्पेस ऑफ टी का आपने बेसिस माना है बी वन, जिसमें कौन कौन लोग हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा के, यही लोग तो हैं। अगर कोई मेंबर नल स्पेस का है, वर्डिंग सुनना, अगर कोई मेंबर नल स्पेस का है, इट मींस दिस मेंबर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। आया ना, फिर ध्यान से सुनना, दिस मेंबर बिलोंग टू द नल स्पेस ऑफ टी, एनी मेंबर विच बिलोंग टू द नल स्पेस ऑफ टी कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, लिखा जा सकता है। और इसका बेसिस एलिमेंट कौन है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा के, यही लोग तो है। इसका मतलब दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा के। तो कैसे लिखोगे, कोफिशिएंट का इस्तेमाल करके ना, फिर नया कोफिशिएंट मानेंगे, बी वन बी टू बी थ्री बी के। आया ना, लिखना, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, ऐसे बता रहे, देखना, this can be written as, this can be written as linear combination of alpha 1 alpha 2 so on alpha k as these are, हम खतरा नहीं मोल लेंगे, चाहे लैंग्वेज ज्यादा हो जाए, बाद में नहीं समझोगे तो वो दिक्कत है। As these are basis elements of and of null space of T के लिए लोग कैसे हैं, basis element है, so let, इसलिए माना, so let, चलो linear combination में लिखते हैं, C k plus 1 alpha k plus 1 plus C k plus 2 alpha k plus 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस सी एन अल्फा एन इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ए वन ए टू मान चुके हैं, ठीक है, अब कि हम बी वन बी टू बी के मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को, कोफिशिएंट आप कुछ भी मान लो, बी वन अल्फा वन प्लस बी टू अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस बी एन ना ना बी के अल्फा के, और एक शॉर्ट में लिख देना वेयर, जहां पर BIs belong to the field F, जहां पर ये लोग किससे बिलोंग करते हैं, फील्ड F से बिलोंग। अब नोट कर,
9:24 हो गए, अभी चल चलते कटवा कराना करा, इस कटवा में 20 मिनट में खत्म होते हैं, यो लिखते चले, लेकिन बाद में हमको एग्जाम थोड़ी देना, एग्जाम तुमको देना है, तुम समझोगे इसको। हम एक काम करते हैं, मूड ये बन रहा है, दुनिया दो धड़े में क्यों बटी पड़ी है? बटी पड़ी है इसलिए रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, सब धर्म संभाल रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, रहने को घर नहीं कहने को सारा जहां हमारा, सबको एक तरफ ले आओ और दूसरी तरफ अकेले एक शून्य को छोड़ दो, सब एक तरफ आएंगे। दिस इंप्लाइज दैट, सुनो, इनको उठाओ उधर लेकर के जाओ और चाहे उनको उठाओ इधर लेकर के आओ, जो तुम्हारा मन हो, जो तुम्हारा मन हो। क्या इनको उधर ले जाए, उनको इधर लाए, ठीक है, सुनो उनको इधर ला रहे। लिखने का तरीका सिस्टमेटिक रखना है, -B1 α1 सही या गलत है, इधर लाए माइनस, अच्छा प्लस, -B2 α2 इस तरीके से चलते हुए प्लस, -BK α K हाँ या ना, सारे इधर ला ली, जो इधर है उनको छोड़ दो, प्लस C K+1 α K+1 प्लस C K+2 α K+2 और इस तरीके से चलते हुए सो ऑन। वो चित्र ये आएगा कि नहीं आएगा, तो प्लस C N α N और बराबर कितना, बस चला गया कि आ गया, बस ठीक है। होल क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। रुक जाना, लिखना मत, रुक जाना। ये गौर करो, कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बना हुआ है और लीनियर कॉम्बिनेशन किसका जीरो बना है, α1 α2 α3 α K α K+1 α K+2 α N कहीं इकट्ठे आए हैं ये लोग, किसके बेसिस में आए हैं, डोमेन यू के बेसिस में, और डोमेन यू के बेसिस के कॉम्बिनेशन से आप क्या बना रहे हो, जीरो। बेसिस एलिमेंट से जीरो बनाने का तरीका, एक तरीका कौन सा, सारे कोफिशिएंट क्या हो जाए, जीरो, यानी B1 बराबर जीरो, B2 बराबर जीरो, BK बराबर जीरो, अपने भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं, अपने ने ये भाड़ में जाए, अब CK+1 बराबर जीरो, अपने को यही चाहिए था, CK+1 बराबर क्या चाहिए था, जीरो, CK+2 बराबर CN बराबर जीरो, हो गया। ये यहां पर आपने इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनाया था, आ गया इनके कॉम्बिनेशन से ये बना जीरो, और तुमको पता चल रहा है इनसे जीरो अगर बनाए हो तो सॉल्व करने पर मिलता है दिस इक्वल टू जीरो, यानी इन लोगों से, किससे, ये ऊपर वाले लोगों से जीरो बनाने का क्या तरीका, एक तरीका, सारा कोफिशिएंट क्या भरा जाए, जीरो, इसका मतलब सेट क्या हुआ, साबित हो गया। अब नोट करो पहले वहां तक, इसी थ्योरम का एग्जाम में इतना भौकाल है ना, निकलते घर से उंगलियां चटकाते हुए निकलते, अभी रेंज में टीच करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु जी बताएं, वो आवे आवे भौकाल मान के निकल गया, और जबकि ये कुछ नहीं, वास्तविकता में ये कुछ नहीं, लिखने की स्पीड तेज हो, बाकी ये कुछ नहीं। सब लोग लिख चुके हैं, लिखो। बस एक बार लिख लो तो बताता हूँ, हो गया सबका, वो पीछे वाले लिख रहे हैं तभी पूछ रहे हैं। आज के नंबर हाथ में आ गए, सीरियसली अब हम लोग जोड़ सकते हैं 10 नंबर, उस दिन नहीं जोड़े, अब जोड़ सकते हैं। कितने हो गए उस दिन, कितना था, 60 था, आप 10 और जोड़ गया 60 था, सोचो यही ना, जो लोग ये कहते हैं ना कि मतलब पास होना बहुत मुश्किल है, पास होना भी आसान है, नंबर बनाना भी आसान है, बशर्ते आप पढ़ाई ढंग से करो, पास होना भी आसान है, नंबर बनाना भी, जानते हो क्या मुश्किल है, दुनिया में एक चीज मुश्किल है बस खाली, नॉलेज बटोरना मुश्किल है, क्योंकि नॉलेज ना जितना बटोरोगे उतना कमतर लगता है। एक सवाल लगा रहे हो आ गया, दूसरा का हो सकता है ना आए, ना जाने कितने सवाल है, हम कभी नहीं आते,
तो नॉलेज बटोरना मुश्किल काम है, क्योंकि नॉलेज के लिए आपको बहुत लंबा प्रोसेस, आपको एक लंबा वक्त देना पड़ता है, इसमें नहीं, ये आसान है ना। आप सुनो, सब लोग लिखे पर सुनो, इधर इधर रजनीश, रजनीश ना, पता नहीं कहां से नाम इतना कर पाओ, तुम अपना नाम है रजनीश रख लो, ज्यादा सही है, हमको ना दिक्कत होगी। फिर जब बिना कहने लगेंगे तो इंटीग्रेशन ओवर द कंट्रोल सी के प्लस वन टी ऑफ अल्फा के प्लस वन, इससे हम लोग क्या बना दिए, जीरो। जब इससे जीरो बना दिए तो हमको पता चला टी लीनियर है, टी को बाहर खींच लिए, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। अगर किसी की इमेज जीरो है तो वो किसका होगा, नल स्पेस का, और अगर आप नल स्पेस हो तो आप नल स्पेस के बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हो। तो हमने उठा करके इनको बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब हम एक काम करते हैं, इनको ट्रांसफर कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। जब एक तरफ आए तो ये प्लस बी वन था, तो इधर क्या दिखेगा, माइनस, तो माइनस बी वन अल्फा वन माइनस बी टू अल्फा टू, सो ऑन करते हुए ये पूरा कॉम्बिनेशन बराबर क्या हो गया, जीरो। लेकिन अब मुझको पता है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के प्लस वन अल्फा के प्लस टू अल्फा एन, ये सारे लोग कैपिटल यू का बेसिस एलिमेंट है, और आप बेसिस एलिमेंट की वजह से क्या तैयार कर रहे हो, जीरो। बेसिस एलिमेंट की वजह से जीरो तैयार करने का केवल एक तरीका होता है कि सारे कोफिशिएंट खुद क्या लगा दिए जाए, जीरो लगा दिए जाए, क्लियर है। तो सारे कोफिशिएंट बराबर कितने होंगे, जीरो। लिखना, सिंस सिंस ऑल अल्फा आईज, जितने भी ऊपर आपको अल्फा सजे मिल रहे हैं, सिंस ऑल अल्फा आईज बिलोंग टू द बी, बी टू वाले थे क्या था, बी टू बिलोंग टू द बी टू, बी टू कौन है, बेसिस ऑफ कैपिटल यू, ठीक। सो इसलिए सो दे आर एलाई, सो दे आर एलाई, इसलिए ये लोग कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और ये लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, इसका मतलब साफ है, This implies that, इसका मतलब B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर so on बराबर BK बराबर CK plus 1 बराबर CK plus 2 बराबर so on बराबर CN, नहीं माइनस, माइनस B1 बराबर 0, तो B1 बराबर भी कितना, 0, माइनस कब क्या, सारे लोग कितने हो गए, 0। लेकिन अपना किस्सा यहां तक है तो ऐसे लाइन लगाना है, सारे कोफिशिएंट जीरो, और इसको कोई नाम नहीं दिया अब तक, हेडिंग के जस्ट बाद कोई इक्वेशन नाम नहीं दिया, इसे इक्वेशन वन कहते हैं, इसे इक्वेशन वन कहते हैं। हो जाते एक आखिरी लाइन बोलेंगे, थ्योरम खत्म हो चुकी है, बोले आखिरी लाइन, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, ये वाली बात, ये दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन वन हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन वन हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन वन हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज सी के प्लस वन बराबर सी के प्लस टू बराबर सो ऑन बराबर सी एन बराबर जीरो, दिस इंप्लाइज दैट टी इमेज ऑफ अल्फा के प्लस वन, टी इमेज ऑफ अल्फा के प्लस टू, इस तरीके से चलते हुए टी इमेज ऑफ अल्फा एन मस्ट बी क्या होगा, बोलो, मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब एलआई प्रूफ कर रहे हैं, स्पैन दिखा दिया, एलआई दिखा दिया, ये रेंज में नहीं क्या बन गया, बेसिस बन गया, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल यस इज अ बेसिस फॉर रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी। और कितने एलिमेंट है कैपिटल एस में, कितने एलिमेंट है कैपिटल एस में, एन माइनस के, दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी इज इक्वल टू एन माइनस, डायमेंशन हो गई एन माइनस के, ठीक। अब आ जाओ अपने मेन स्टेटमेंट पे, एंड हेंस डियर फोर, अब हाइपोथेटिकली सोचना, रैंक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी कितना, रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी कितना, एन माइनस के, प्लस नलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी कितना, के, एन माइनस के प्लस के कितना आया, एन, और एन कौन है, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कैपिटल, थ्योरम वेरीफाइड।
हो गई पोजिशन। ठीक, फिलहाल के लिए इसी पर ये चीजें रैंक मल्टीक्रम। अब इसको दोहरा लेना, आज की डेट डाल दो, ठीक, जब कभी बोलना उस डेट का वीडियो ओपन कर लेना 3 मार्च का और सुन लेना फिर।